सुनीता बहू, आराम थी। ऐसे वैक्यूम क्लीनर की तरह सांस लोगी ना तो धूल नाक में घुस जाएगी। इतना वक्त नहीं है मेरे पास, अब सिर्फ एक महीना बचा है। हर एक महीने में 7 किलो वजन कम करना है और मैं तो चाहती हूँ कि हमारी 25वीं एनिवर्सरी पर मैं और महेश परफेक्ट कपल दिखे। आ गई सविता बेन दोषी, अब दोष गिनाना शुरू कर देंगे। अरे भाभी, मैं ना आप पे नहीं हंस रही थी। वैसे भाभी, कैसा चल रहा है वो आपका वेट लॉस प्रोग्राम? 2 महीने में 250 ग्राम वजन कम किया है और 1 महीने में 7 किलो वजन कम करना है। हाँ, अब तू ही बता, ये कभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाभी। क्या? अभी ना मैंने एक नया ट्रेनर रख लिया है, वो तो गारंटी देता है 7 दिन में 5 किलो वजन कम करके दिखाएगा। सविता बेन, मुझे भी नंबर दीजिए ना, मैं तो आज से ही शुरू करती हूँ। लिखिए ना। बोल। 8801 8801 9292। आगे? मैं क्या कह रही हूँ भाभी, ऑन अ सेकंड थॉट आप ना फिलहाल इस ट्रेनर को मत रखिए। नहीं मतलब कि पहले मुझे देख तो लेने दीजिए कि वो जैसा बोलता है वैसा करके दिखाता है या नहीं। मुझे मालूम था, नंबर तो इन्हें देना ही नहीं। भाभी, आप यही सोच रही है ना कि मैं आपको ये नंबर नहीं देने वाली हूँ? ऐसा नहीं है भाभी, अब देखिए ना कहीं वो फ्रॉड निकला तो। इसीलिए 7 दिन के लिए मुझे ही ट्राई कर लेने दीजिए, अगर कुछ रिजल्ट मिला तो आप और महेश भाई दोनों ही शुरू कर देना, बराबर है ना? नीता वो जी, रसोड़ा में जाके देख लेना नाश्ता वास्ता बना है कि नहीं। जी हाँ बा। जय श्री कृष्ण। देखो, सब लोगों के लिए वही नाश्ता बनाना जो बनाती हूँ, और मेरे और महेश के लिए सिर्फ बॉयल दाल बनाना, ठीक है ना? पर भाभी, मोटा भाई ने कहा है कि खमन ढोकला और जलेबी खाएंगे। क्या? जी। अरे सुनो, वो सविता बहन ने क्या बनाने को कहा है? सविता बहन ने सिर्फ पपीता काटने को कहा है। क्या? सिर्फ पपीता? कितने पपीते काटने को कहा है? एक पपीता। सिर्फ एक पपीता? हाँ। अच्छा गीता, एक काम करना, हमारी बॉयल दाल ना वो कैंसिल, और हम दोनों को मिला के ना सिर्फ एक पपीता ही काटना। मैं उनको कसम देके ना पपीता खिला ही दूंगी, आधा वो खाएंगे आधा मैं खाऊंगी, ठीक है? जी। पपीता खाना पड़ेगा अभी। नीता भाभी का रिएक्शन ना देखने जैसा था जब मैंने उन्हें वो ट्रेनर का नंबर नहीं दिया। वो कहते हैं ना, हाथ को आया और मुंह को ना लगाया, बस ऐसी वाली शक्ल हो गई थी उनकी। और सच बताऊं, ऐसा कोई ट्रेनर है ही नहीं। ये मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ, ऐसा कोई इंस्ट्रक्टर है ही नहीं। सविता बहन भी ना एक्टिंग ही कर रही है, तबीन कुछ भी कर सकती है। चाहती नहीं है कि मेरा वजन कम हो। अरे वाह। क्या? अरे नहीं नहीं, तुमको नहीं, वो शेर के भाव बढ़ गए इसके लिए मैंने कहा। अरे वाह। अपने गीता को क्या बनाने को कहा है? ढोकला और जलेबी। आपने प्रॉमिस किया था, भूल गए? प्रॉब्लम क्या है, मुद्दा क्या है, सविता या मेरा वजन? दोनों। लेकिन आपका पूरा ध्यान आपके शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पे, घर के जो उतार चढ़ाव है उस पर कौन ध्यान रखेगा? सविता
कम ऑन। अरे ही विल डू इट रोहन, कभी ने आज तक पेरेंट विश नहीं की है कभी। कबीर, थैंक्स यार। थैंक्स किस लिए? किसी को भले ना पता चला हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है। तुमने जानबूझ के एक एक गलत मारी ना, और हमें जिता दिया, इसलिए थैंक्स कह रहा हूँ। क्योंकि इस मैच में जीते हुए पैसों से हमारे कॉलेज की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तुम जानते ही हो ना, ये चैंपियनशिप हमारे कॉलेज के लिए कितना जरूरी था। इट्स ओके, तुम दिलदार हो, ये बात सुनी थी, आज देख भी लिया। अगर तुझे कॉलेज की इतनी मदद करनी थी तो उनको पैसे दे देता। मैंने तो पैसे ही ऑफर किए थे, उन्होंने लेने से मना कर दिया। और इसीलिए तुम जान मुझ के मैच हार गए। अरे अदिति आजा। Hey guys. Hi. कबीर, तुमने ऐसा क्यों किया? उन लोगों को पैसों की बहुत जरूरत है, और अगर वो ये मैच हार जाते ना तो उनके कॉलेज का फुटबॉल डिवीजन बंद हो जाता। And you know that, फुटबॉल के लिए anything। अदिति समझाओ अपने भाई को, ये जो इसका anything है ना, इसका everything डुबा देगा। Exactly. यार ऐसा करने से पहले सोच तो लिया कर। कितना सोचूंगा ना तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। So just chill. And I promise, अगले मैच में कम से कम 5 गोल मारूंगा। तूने बोला था तू मारेगा ही, इतना तो तुझे जानते हैं। I hope आज रात फैशन कॉम्पिटिशन में तुम जीत जाओ अदिति। मैं कबीर भाई की बहन, हारना तो कभी मैंने सीखा ही नहीं। You bro? Bravo. अगर अदिति के कॉलेज के फंक्शन में कबीर के लिए लड़की देखना चाहती हूँ तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? कबीर के लिए इतना बड़ा फैसला आप अकेले कैसे ले सकते हो भाभी? अरे फैसला किया कहाँ है, फैसला तो फैशन कॉन्टेस्ट में जाने के बाद ही करेंगे ना। और सोचिए ना, बड़ोड़ा का सबसे बड़ा प्राइवेट कॉलेज, इसका मतलब ये कि वहाँ जो भी लड़की आएंगी अच्छे घर की होगी। ऊपर से फैशन कम डिबेट कंपटीशन है, तो लड़कियाँ स्मार्ट भी होंगी और सुंदर भी। नीता बेटा, तुमने सोचा तो अच्छा है, पर मुझे लगता है कि कबीर अभी छोटा है। वही तो मैं कह रही हूँ ना भाभी। और ये भी तो हो सकता है कि कॉलेज में उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सविता बहन, उसने आपको कोई हिंट विंट दी है क्या? हिंट दिया भी हो ना भाभी तो मैं आपको नहीं बता सकती। यू नो इट्स अ टॉप सीक्रेट। ये मत भूलिए सविता बहन कि अक्षय की भी बहुत सारी टॉप सीक्रेट बातें मुझे पता है। भले भले, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ भाभी कि कबीर के लिए लड़की आप अकेले पसंद नहीं करेंगी, मुझे भी अच्छी लगनी चाहिए। हाँ हाँ, तो कबीर के लिए लड़की हम दोनों साथ मिलकर ही ढूंढेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे इस एनुअल डे फंक्शन के चीफ गेस्ट और हमारे कॉलेज के ट्रस्टी मिस्टर महेश शाह हमारे बीच आ चुके हैं। प्लीज वेलकम विद अ बिग हैंड मिस्टर महेश शाह।
भाइयों और बहनों, वी आर इन द लास्ट फेज ऑफ आवर एनुअल फंक्शन और इस आखिरी पड़ाव का अंत हम करेंगे फैशन शो और डिबेट कॉम्पिटिशन के साथ। आप मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहेंगे? क्या पता आज इस फंक्शन में हमें कबीर के लिए लड़की मिल जाए। प्लीज वेलकम अ फर्स्ट कंटेस्टेंट मिस अदिति दोषी। ये वही है ना मिस इंटेलिजेंट? क्यों, तेरा दिल आ गया है क्या? कुछ भी क्या बोलता है यार, मतलब क्लास में तो एकदम सीधी साधी बन के रहती है, ये एकदम डिफरेंट लग रही है। नहीं, लेडीज एंड जेंटलमैन, फैशन कंपटीशन का रिजल्ट हमारे सामने है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इनमें से टॉप टू कंटेस्टेंट्स ही हमारे साथ अगले फाइनल राउंड में खेलेंगे और जिसमें उन दोनों को एक टॉपिक दिया जाएगा जिसको उन्हें कम से कम शब्दों में समझाना होगा, जिसके जवाब पर होगा ऑडियंस का सबसे ज्यादा चीयर, वो होंगे आज की विनर। सो प्लीज वेलकम अ फर्स्ट कंटेस्टेंट मिस अदिति दोषी। अब देखिएगा दूसरी वाली वही होगी मेरी होने वाली दुल्हन। एंड आवर सेकंड कंटेस्टेंट मिस पिया पटेल। सविता बेन, पिया पटेल इतने गुजराती थे। हे अम्मे, हे कृष्णा। और जिस टॉपिक पर उनको बात करनी है वो टॉपिक है स्टेटस। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्टेटस यानी पैसा, पावर और रुतबा। इन तीन चीजों से इंसान के स्टेटस का अंदाजा लगता है। जैसे मेरी फैमिली, बापूजी ने अपना स्टेटस बनाया था, वो आज हम एंजॉय कर रहे हैं एंड आई एम श्योर हमारे आने वाली जनरेशन भी एंजॉय करेगी, क्योंकि हमसे पिछली जनरेशन से हमारे आने वाली जनरेशन तक हम सब एक बात ध्यान में जरूर रखेंगे कि हम अपने स्टेटस पर कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। आई थिंक कि इंसान अपने साथ दुनिया में कुछ नहीं लाता है, लेकिन जब वो जाता है, कितना जायदाद छोड़ जाता है, ये सारी उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी अचीवमेंट्स होती है। और अंतिम यात्रा में उसके पीछे कितनी भीड़ चलती है, मीडिया में, टीवी पर कितना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है वो,
अब उससे उस इंसान का स्टेटस डिफाइन होता है। That's all. अदिति कितना अच्छा बोली ना। हाँ? अब देखते हैं मेरी बहू क्या बोलती है। गुड इवनिंग एवरीवन। स्टेटस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इंसान का स्टेटस उसके पैसों से ज्यादा उसके कर्मों से नापा जाता है, उसके एटीट्यूड और उसकी काबिलियत से बनता है। वाह, ये उसी कांच के घर के तरह है जिसकी नींव कैरेक्टर और नियत से बनती है। अगर इंसान का कैरेक्टर मजबूत हो और उसकी नियत नेक हो तो उसका स्टेटस अपने आप मजबूत हो जाता है। कितना अच्छा बोलती है ये लड़की। एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लाइफ में क्या परिवर्तन लाता है, एक दूसरे इंसान के होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए कामयाब होता है, यही एक इंसान की असली अचीवमेंट है। पैसा और पावर टेम्पररी चीजें होती हैं, लेकिन क्लास और स्टेटस हर इंसान के अंदर होता है, जो हर इंसान को किसी भी परिस्थिति का सामना करना सिखाता है और जिंदगी ना सिर्फ काटना बल्कि जिंदगी जीना सिखाता है। थैंक यू वेरी मच। वाह 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 बेटा वाह। थैंक यू। मार दिया इस लड़की ने। स्टूडेंट्स के अप्लॉज के आधार पर हमारी आज की विनर है मिस पिया पटेल। Now I request to Mr. Mahesh Shah, our chief guest and college trustee, to please come on the stage and present the award to Ms. Pia Patel. अदिति हार गई है, अब क्या इतनी ताली पे ताली बजाई जा रही है? अरे प्राइस तो घर पे ही आया है ना, बेटी ना सही बहू ही को मिल गया। अदिति बेटा रोना बंद करो, हमारे लिए तो तुम ही विनर हो, है ना बा? और नहीं तो क्या, रडवानू बंद कर। जीवन में हार जीत लगी रहती है, इट्स ओके बेटा। प्लीज मम, मुझे पता है अब बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो। बेटा अदिति तूने बहुत अच्छा बोला था लेकिन एक सेकंड मामा जी, आप चीफ गेस्ट थे ना तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? अदिति बेटा तुम तो जानती हो मैं वहाँ चीफ गेस्ट था, जज नहीं। बस अबे बेटा बस कर। क्या बस कर मम्मी, आप जानती भी है कि मैंने फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट किया है कि मैं आज क्राउन के साथ अपना पिक्चर अपलोड करने वाली। अब मैं क्या अपलोड करूंगी, आप लोग कुछ नहीं समझते। अरे अदिति बात तो सुन। अदिति आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उसको समझा दूंगी। अब घर चले। हाँ बा, बा। असल में कॉलेज में ना आफ्टर फंक्शन पार्टी शुरू होने वाली है, तो मैं बाद में हूँ, प्लीज। अदिति का ध्यान रखना। आप फिक्र मत कीजिए बाप, मैं भी यहीं पे हूँ। ओके बा, तमिलों को जाओ, मैं और सविता बेन बस अभी आते हैं। हाय हाय, हम कहाँ से होके आते? अब चलिए ना, बस दो मिनट बागे और जल्दी आ जाना। एक मिनट भाभी, हम जा कहाँ रहे? पिया पटेल से मिलने। क्या
अरे हाँ तो सविता बेन, हमें सामलो ने प्रिया पटेल जैसी लड़की हमें पूरे बड़ौदा में नहीं मिलेगी। इसके पहले कि कोई और उसे देख ले, पसंद कर ले और हमारे हाथ से वो लड़की निकल जाए, हमें उसे मिलना ही होगा। अरे चलिए भाभी, सब कुछ आपके आशीर्वाद से ही तो हुआ है। देखा आपने, स्मार्ट है, सुंदर है, साथ में संस्कारी भी है, और देखिए साथ में उसकी माँ भी है, लगे हाथ उससे भी बात कर लेंगे। परफेक्ट टाइमिंग है। हेलो पिया। हाय।